नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। करतारपुर के आर्य नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला का किया कत्ल, बेटी गंभीर घायल। फिरोजपुर के अधीन आते जीरा में दुकानदार पर गोली चलाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा की पुलिस ने गत दिनों खंडेवाला चौक में फार्मेसी में हुई लूट के मामले में एक और आरोपी को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। करतारपुर में 65 वर्षीय एक महिला का घर में घुसकर बदमाशों द्वारा बेरहमी से कत्ल करने का मामला सामने आया है। वहीं इस दौरान उसकी बेटी गंभीर घायल हो गई। ये घटना करतारपुर के आर्य नगर स्थित टहली साहिब रोड के नजदीक घटित हुई और आरोपी दिन दिहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक दो आरोपी 10 मिनट तक घर के अंदर ही रहे और सारी वारदात को अंजाम दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही CIA, फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका का पति एक जनरल स्टोर चलाता है और कुछ दिन पहले ही अमेरिका से भारत आया था। फिरोजपुर के अधीन आते जीरा में गत दिनों दो मोटरसाइकिल सवारों ने एक दुकानदार पर गोलियां चलाई थी, जिसमें दुकानदार तो बच गया था और मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए थे, जिसके तहत SSP फिरोजपुर दीपक हिलोरी की तरफ से बनाई गई टीमों द्वारा बुरे तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SP रणधीर कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सोनू और अमित भट्टी उर्फ गोपी के तौर पर हुई है, जिनके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर और 6 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त लोगों ने दुकानदार से 15 लाख रुपयों की फिरौती की मांग की थी। उन्होंने बताया कि इनका एक साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुम्मा अभी फरार है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। दुकान दे नेड़े जिहड़ा एक गवांडी रहिंदा सी, जिहदा नाम सीगा सतनाम सिंह उर्फ सोनू चेरा, एक पूरी उहदी प्लैनिंग सी। वह कर्ज विच डुबिया सी, इस तों पहला वो सिंगापुर गया सी। जो सिंगापुर तो आया तो उसते 3-4 लाख रुपए का कर्ज सी। वह कर्ज चुकाने लई इसने 18 तारीख नूं एक +1 दे नंबर तो इनूं फोन किया तो 15 लाख की फरौती की मांग की। पुलिस ने परचा दर्ज किया 111/23/22 तारीख में। तो ये जरा केस है, ये ट्रेस हो गया है। जरा सोनू चीरा है उन्होंने 24 तारीख में गिरफ्तार किया है, नाल 4 राउंड 30 बोर की रिकवरी हैगी। तो जरा अमित भट्टी है जो साथी सीगा उन्होंने गिरफ्तार किया गया है 27 तारीख में जीरा तो, उसके कोल एक देसी कट्टा 315 बोर नाल 2 जिंदा राउंड प्राप्त होया। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के आदेशानुसार गलत तत्वों व लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना मकबूलपुरा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत दिनों पब्लिक फार्मेसी खंडेवाला चौक में हुई लूट के मामले में एक आरोपी को काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी मोहित कुमार ने बताया कि गत दिनों खंडेवाला चौक बल्ला बाईपास अमृतसर स्थित मेडिकल स्टोर में हथियारों की नोक पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी CCTV फुटेज काफी वायरल हुई थी। जिसके बाद पुलिस पार्टी ने जांच के दौरान एक आरोपी कनिष्क कुंद्रा को गिरफ्तार कर 2000 रुपयों की भारतीय करेंसी बरामद की थी। इसी मामले में वांछित एक और आरोपी राहुल भट्टी को गिरफ्तार कर 500 रुपयों की नकदी भी बरामद की है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये कुल 6 दोषी थे, जिनमें से 2 आरोपियों को काबू कर लिया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मिति 20/9/2023 पब्लिक फार्मेसी वल्ला विखे जी है 6 बंदों वालों जोड़ा वा लुट की वारदात को अंजाम दिता गया, जिदे असी एक दोषी पहला ही जरा अरैसट कर चुके हैं।
अज उस लड़ी के असी एक दूजा दोषी राहुल भट्टी सन ऑफ साहब भट्टी वासी नंगली भट्ठा इनू जो अरैसट किया तो बाकी दोषियों भी असं अरैसट करने वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं तो जल्दी अरैसट कर लेंगे। इस तरह काफ़ी पढ़िया लिखा है किस तरह चांसेस आ गया जी सोसायटी है जी सोसायटी के चक्कर के ये मुंडा अपने फसया है जी ये पता लगा है कि ये बी सी ए कर रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ते यारी दोस्ती दे विच ये क्राइम दे विच इन्वॉल्व होया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें इंस्टाग्राम पर एक लड़की जालंधर पुलिस की सरकारी गाड़ी पर बैठकर रील बना रही है। इसके अलावा एक पुलिस कांस्टेबल भी उसके साथ रील में नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रील बनाने वाली लड़की का बयान भी सामने आया है। उसने बताया कि वह अपने किसी दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे और इस दौरान ये वीडियो बनाई गई थी। तो वहीं इस अवसर पर पुलिस अधिकारी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि वीडियो देखने के बाद थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। जो कोई भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सारे नो कि मैं तो सारे होप्सो सारे वधिया होंगे। और कल दी रात दी एक वीडियो वायरल हो रही है कि पायल पर पुलिस वाली गड्डी ते इदा कर रही है वो कर रही है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का बर्थडे सीगा सर भी उत्थे आए हुए सीगे जिन्हां दी गड्डी सीगी आप नॉर्मली बैठे सीगे ते मैं उत्थे नॉर्मली सी कह रहे सी कि चलो वीडियो बनाते हैं। मैं इदा ही वीडियो चक के अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती तो मैं तो नॉर्मली पाई सी कि मैनू की पता सी एडा वड्डा इशू क्रिएट हो जाना आ चीज़ नाल ये चीज़ हो जानी है तो वह गलती नाल वीडियो पाती तो लोगों ने इन्नी ज़्यादा वायरल मीडिया वाले ने इन्नी ज़्यादा वायरल करती है कि इदा की कोई गल भी नहीं सी है ना कि कोई बनता भी नहीं सी इन्नी वायरल करन दा ते वह गलती चलो मेरे नाल पै गई है सॉरी वो पर ये गलत है कि यार नॉर्मली असी तो अपना समझ के पाई सी तो लोग उन्होंने उल्ट पास लेके जा रहे हैं। गल सुन सोनिए शेर दी शेर नहीं है डर के नहीं रहना बस मैं गया ते आया ख्याल रखी आपदा चलो भी फिलहाल मुढ़ली जी है इनकुआरी करने के हित दे नाल जिहड़े एस एच ओ इंस्पैक्टर अशोक कुमार है सी उन्होंने पुलिस लाइन के ट्रांसफर किया गया ता जो जी है ये पड़ताल जी सही तरीके की नहीं मैं भी वीडियो देखी है वो जी है मुढ़ली देख तो नहीं लगता है कि वह सरकारी हैगी क्योंकि वो जोड़ा है पिस्टल जोड़ा है टॉय पिस्टल ज दूसरा वो पड़ताल हाले नहीं आया बट वो पहली देख तो जोड़ा है सरकारी पिस्टल नहीं है ना ही इस तरह की साढ़े कोई सरकारी पिस्टल वो वालों लहराए जाने की कोई इस तरह की कोई साढ़े को इनफॉर्मेशन इनकुआरी का है जो इनकुआरी की फाइंडिंग अगर किसी जो भी कसूरवार आए वो खिलाफ कर रही है। जरूरतमंदों के मसीहा के तौर पर जाने जाते दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी और सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के सरप्रस्त डॉक्टर एसपी सिंह ओबराई के यत्नों के चलते चंडियाला गुरु कस्बे से संबंधित 32 वर्षीय गुरप्रीत सिंह की मृतक देह दुबई से गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर में पहुंची। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारी सुखजिंदर सिंह ने बताया कि दो बच्चों का पिता गुरप्रीत सिंह भी और नौजवानों की तरह अपने अच्छे भविष्य के सपने को लेकर लगभग एक वर्ष पहले दुबई गया था और गत 24 अगस्त को अचानक दिल का दौरा पड़ जाने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ओबराई ने बताया कि इस घटना संबंधी भारतीय दूतावास ने कुछ दिन पहले ही उनके साथ संपर्क कर उन्हें बताया था कि एक नौजवान का शव बहुत दिनों से लावारिस पड़ा है। उन्होंने बताया कि उक्त नौजवान संबंधी सारी जानकारी इकट्ठा कर उन्होंने अपनी अमृतसर टीम को जंडियाला गुरु में इस नौजवान के घर भेजकर इस संबंधी अवगत करवाया था जिसके बाद उन्होंने अपने निजी सचिव बलजीत सिंह चाहल की देखरेख में तुरंत जरूरी कार्रवाई को पूर्ण करवाकर गुरप्रीत सिंह का शव भारत भेजा है। तो वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने डॉक्टर एसपीएस ओबराई का इस बड़े प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सरदार एसपी सिंह ओबराई उन्होंने अगुवाई चल रहे जो सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट आई अमृतसर टीम वालों अज इतने एयरपोर्ट पर रखे पहुंचे थे। जंडियाला वासी 31 साल नौजवान सगा गुरप्रीत सिंह जी की पिछली 24 अगस्त को एक
दुबई विखे मौत हो गई थी। लवारस रूप में उसकी मृतक देह मिली थी, जिन्हां ने जिहड़ी मृतक देह पुलिस डिपार्टमेंट ने बाद च भारतीय दूतावास नूं उन्हां दे ध्यान विच लिआंदी। ध्यान विच लिआउण तों बाद सरदार एस पी सिंह ओबराए ना दूतावास वालिआं ने संपर्क किया, फिर वो साढ़े कोल उन्हां दा वेरवा आया, लड़के का पता लगा भी वह जंडियाला गुरु का रहन वाला सीगा। साड़ी अमृतसर की टीम ने अपना कुछ साथी जिहड़े सीगे उन्होंने घर गए तो उन्होंने घरों पता किया कि तुहाडे बच्चे बारे कोई इस तरह पता लगा वा, तो उन्होंने फिर दस्या साडा बच्चा साढ़े डेढ़ महीने तो साढ़े संपर्क तो टुट चुका वा तो सानू खुद नूं पता नहीं गा। फिर उन्होंने दस्या गया कि उसकी इस तरह मौत हो गई। वो फिर जी अज उसकी मृतक ने जी अज अमृतसर विखे पहुंची सी तो उन्होंने वारसों के हवाले कर दी गई आ। मैं इतने दसना चाहवागा कि सरबत्ता भुला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों हूँ तक 351 मृतक देह जारसों के हवाले जो हूँ तक दी जा चुकी। श्री गणेश चतुर्थी का त्यौहार देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके चलते भक्त श्री गणेश जी की मूर्ति को घर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से लेकर आते हैं और 10 दिनों तक पूजा अर्चना करने के पश्चात मूर्ति को बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ जल प्रवाहित करते हैं। इसी के तहत चंडियाला गुरु के नज़दीक ब्यास दरिया पर बड़ी संख्या पर पहुंचे भक्तों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ श्री गणपति जी महाराज की मूर्ति को जल में विसर्जित किया गया और ब्यास दरिया के नज़दीक ढोल की थाप पर नाच गाकर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगाई। तो वही मूर्ति विसर्जन से पहले श्री गणेश जी की आरती भी की गई और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की गई। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम महेश वर्मा जी, तो गणपति महाराज नूं अज बड़ी श्रद्धा दे नाल लोग पहले अपने घरां दे विच लैके आते हैं, 6-7 दिन कोई 11 दिन रखता है अपनी इच्छा अनुसार, और तो बाद 11वें दिन आके विसर्जन करते हैं। इस दिन के शुभ मौके पर मैं आप सब हार्दिक शुभकामनावां दिंदा। तो मैं प्रशासन तो भी बेनती करना चाहता कि हिंदू समाज का बहुत वड्डा पर्व है जी, देखो सांझा पर्व है, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। जय गणपति सेवा सोसाइटी की ओर से 21वां वार्षिक जागरण 6 अक्टूबर को मोहल्ला नंबर 23 व 24 के मध्य करवाया जा रहा है, जिस संबंधी झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर राकेश शांतिदूत, हरविंदर सिंह पप्पू, गुरशरण सिंह टक्कर, राजकुमार राजू, ACP कैंट हर्षप्रीत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। श्री रामा मंदिर में नतमस्तक होकर नगर परिक्रमा करते हुए ढोल बाजे के साथ जागरण स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना के पश्चात ध्वज स्थापित किया गया और माता रानी की आरती की गई। इस दौरान आए हुए मुख्य मेहमानों को सोसाइटी की ओर से मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पंडित राजकुमार राजू, कमल चौहान, कुलभूषण अग्रवाल, एडवोकेट बलदेव अटवाल, बंटी, रणदीप सोडी, तेजल, रितिका, गीतांजलि, सूरज, लक्ष्य सोडी, सतपाल वर्मा, विकास निश्चल, भारत बत्रा, पूर्व पार्षद सुरेश भारद्वाज, राजेंद्र सोनकर, उषा रानी मंगा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। Oh,
पहला तो मैं दैनिक सवेरा वालों का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जदों तो शुरू होया चैनल तो जदों तो अखबार शुरू हुई है ये साढ़े प्रधान शीतल विज जी हमेशा ही धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रहे और सारी कवरेज करते रहे और ये परंपरा हले भी जारी है। तो इस परंपरा के मुताबिक साढ़े हरविंदर सिंह पप्पू भाजी इन्होंने भी जिहड़ा कैंट चो जिहड़ी एक परंपरा धर्म के जो धर्म के प्रति कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होंदी है पूरे शहर च पंजाब च जिस तरह मैं पहला भी जिक्र किया कि भूसी भाजी उन्होंने पहला नंबर पर रामनौमी देवी दला तो जी निकलती अवार्ड लैके आते हैं कमल जी भी सारे जने है तो हूँ जय गणपति सेवा सुसायटी ने भी जगराते की परंपरा अगे वधाते हुए जोड़ा 6 अक्तूबर 2023 इस जगह के उत्ते महला नंबर 23-24 पप्पू भाजी के घर के बाहर ऐतकी जगराता होना क्योंकि उत्थे जिहड़ी सरकार वालियां ने मार्केट बनाती है। पर एक होर बहुत अच्छा किया कि उस जगह तो जिते बजरंग ध्वज का स्थान से उस स्थान तो असी आग्या लैके पप्पू भाजी उन्होंने इतने अज बजरंग ध्वज स्थापित किया कैमरे भाजी ने तुम्हें पहला भी दिखाया। तो कैंट की एक होर बहुत जी वधिया हैगी है भी इतने सारा कुछ सांझे तौर पर किया जाता है धर्मां जातियां खेतरां सब तो उपर उठ के जिहड़ा कैंट की जिहड़ी जनता है वह सारे प्रोग्राम सांझे करती है। तो अज भी इस जो असी बजरंग ध्वज स्थापित किया टक्कर साहब शशि शर्मा जी राजकुमार राजू मेरे वीर ट्रस्टी रहे हैं जो कि हर साल की तरह इस साल भी जय गणपति सेवा सोसायटी वालों जागरण कराना जाना है वो अज जो झंडा रसम जी अदा की हैगी है साढ़े वड्डे भरा शांति दूत जी राजकुमार राजू जी गुरशरण सिंह टक्कर जी डॉक्टर संजीव कमल चौहान भूसी जी बजरंग भवन के जो कि प्रधान ने और साढ़े सारे जो साथी मेरा दिलों तनों मनों साथ देंदे मैं उन्होंने अपने दिल तो तय दिलों धन्यवाद करदा और 6 जून जो कि जागरण माँ चिंतापुरनी का कराया जा रहा और सारे ने आके माँ भगवती का आशीर्वाद लैना वो साडे वड्डे भरा बाऊ शीतल विज जी जो प्रधान देवी तला देने उन्होंने भी आके माँ का आशीर्वाद लैना और गवर्नर साहब पोंडाचीरी और भी मेरे सारे सज्जन मित्र जो भी है भैन भरा सारे ने आके माँ चिंतपुरनी का आशीर्वाद लैना जय माता दी जय माता जय सेवा गणपति सेवा सोसायटी वालों 21वां जगराता जो कि महला नंबर 23-24 के विचकार कराया जा रहा है उसके संबंध के विच अज झंडे की रसम अदा की गई और ये जागरण जड़ा है 6 तरीक 6 अक्तूबर जड़ा कि महला 23 और 24 कराया जा रहा है और वध तो वध जड़ी है असी अपील करते हैं कि इत्थे संगतां वध तो वध आण अते माता दे गुणगान करन जय माता दी जय माता जय माता दी जय माता दी जय गणपति सोसायटी वालों 21वां जागरण महला नंबर 23-21 कराया जा रहा साडे दे मुख मेहमान सनी टक्कर जी और बंटी प्रधान साडे प्रधान एक्स मेयर पप्पू जी जिन्हां वालों जगराते की आरंभ किया झंडा चढ़न की भी रसम मेरे वालों मेरे परिवार वालों मैं सारिआं नूं लख लख वधाई दिंदा जय माता दी। सेवक धूप फैक्ट्री जग्गू चौंक के संस्थापक स्वर्गीय श्री रामजी शर्मा द्वारा स्थापित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्रों ऋषि शर्मा व प्रिंस शर्मा की तरफ से श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले की तरफ से जग्गू चौंक में भव्य लंगर लगाया गया। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के जयकारों के साथ लंगर का शुभारंभ ऋषि शर्मा प्रिंस शर्मा पार्षद पति सलिल बाहरी मनु बाहरी कुंश बाहरी द्वारा श्री सिद्ध बाबा सोडल जी की आराधना कर किया गया
और विश्व के लिए सुख शांति की प्रार्थना की गई। इस मौके पर ऋषि शर्मा व प्रिंस शर्मा ने कहा कि सिद्ध बाबा सोडल जी अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते हैं। उनकी सच्चे मन से पूजा करने पर वे प्रसन्न होते हैं। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी की उपासना से भक्तों के समस्त रोग व शोक मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के साधक जीवन और संसार की शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में माता पिता का स्थान दूसरा और कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि जो पुत्र से भर देते हैं अपने पिता द्वारा स्थापित आदर्शों व परंपरा का निर्वाह करते हैं, उन पर प्रभु के साथ साथ उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी सदा बना रहता है। इस मौके पर रवि सूजी टोनी, पवनीत पाल सिंह, यशपाल पाहुजा, कांग्रेसी नेता समीर सूरी, विजय सूरज, गौरीशंकर गौरव, सनी सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जय बाबा सोडल जी। सारे शहर वासियों नूं बाबा सोडल जी दे मेले ते हार्दिक बधाई। जिमें कि तुहानूं पता है सेवक तू फैक्ट्री जग्गू चौंक विच भंडारा लग्या है। बाबा सोडल जी की कृपा दे नाल साडे पिता जी ने, श्री राम जी ने यह लंगर की शुरुआत की सी, तो उही आपां शुरुआत अगे वधा रहे हैं। मैं सारे शहर वासियों नूं यह जरूर कहना चाहवांगा एक वारी भंडारे ते आन ते लंगर जरूर ग्रहण करन, ते जिस नाल बाबा सोडल जी की कृपा पूरे जलंधर वासियों ते पूरे संसार वासियों ते बनी रहे। जय बाबा सोडल जी। घरा बाबा सोडल जी का बोल साचे दरबार की जय। जिमें कि तुहानूं पता है जग्गू चौंक सेवक धू वलों बाबा सोडल जी के हर साल की तरह इस साल भी लंगर लगाया गया है, तो बाबा सोडल जी के आशीर्वाद नाल ये भंडारा चल रहा है। तो सारे शहर वासियों नूं अपील करदा एक बारी जग्गू चौंक ते पहुँचन, तो जिहड़ा लंगर जिहड़ा उन्हां दी कृपा ते लगा होया ते एक बारी जरूर आके ग्रहण करन। तो सारे शहर वासियों नूं मैं भी दसना, आने वाले जिहड़े नवरात्रे है उहदा भी सेवक धू वलों खासी तैयारी की गई है, तो नरात्या नूं लैके एक बारी तुसीं फिर जग्गू चौंक ते पहुँचो ते माता रानी दा भी आशीर्वाद प्राप्त करो। जय बाबा सोडल। सोकर इंटरनेशनल के फाउंडर सीएल महाजन, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सीएल महाजन को मुखाग्नि उनके बेटे विनोद महाजन ने दी। इस अवसर पर सांसद सुशील रिंकू, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी एवं पारिवारिक सदस्यों में पत्नी संतोष महाजन, विनोद महाजन, सुनीला महाजन, अशोक महेंद्रू, साधना महेंद्रू, निखिल महाजन, सिद्धार्थ महाजन, आशु महेंद्रू, सुनिधि महाजन, शिल्पा महाजन, विधु महेंद्रू, द्वारिका दास महाजन, अचला महाजन सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सीएल महाजन को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। करतारपुर के आर्य नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला का किया कत्ल, बेटी गंभीर घायल। फिरोजपुर के अधीन आते जीरा में दुकानदार पर गोली चलाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा की पुलिस ने गत दिनों खंडेवाला चौक में फार्मेसी में हुई लूट के मामले में एक और आरोपी को किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।